हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। होपफुली सब अच्छे होंगे, एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो ये क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ कल का, जब हम लोग इनवाइटेड थे। मेरे देवर के घर में इफ्तार पार्टी थी तो हम सब लोग वहाँ पे गए हुए थे। अपने आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। आज है वेनसडे और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ। और आज मैं अपने डे का आगाज किचन को क्लीन करने से ही करूँगी, क्योंकि मैं कल में भी किचन को क्लीन नहीं कर सकी थी। वो इसलिए कि कल मैं अपने देवर के घर चली गई थी तो किचन क्लीन होने को रह गया था। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं किचन को क्लीन करूँगी। उसको मैंने अच्छे से नीट कर दिया है और अब मैं स्टोव को साबुन लगा के अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि आजकल खाली कपड़ा लगाने से स्टोव साफ नहीं होता, क्योंकि काफी ज्यादा ऑयली हो जाता है। जैसे जैसे हम इफ्तारी बनाते हैं तो किचन बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि इफ्तारी में सारी ही चीजें ऑयली बनाई जाती है, तो ऑयल गिरने की वजह से सारा ही किचन आजकल मुझे ऑयली दिखाई देता है। स्टोव को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और अब मैं काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दूंगी। और काउंटर टॉप को क्लीन करते हुए मैं चीजों को हटा के जगह को भी क्लीन करती हूँ, क्योंकि आजकल डस्ट वाली हवाएं भी चल रही हैं, तो चीजों को हटा के ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि डस्ट किचन की विंडो में से आ जाती है और फिर वो काउंटर टॉप्स पे पड़ जाती है। तो इसलिए मैं चीजों को हटा के सारी जगहों को क्लीन कर देती हूँ। ये मैंने सहरी के वक्त दही जमाने के लिए रखा हुआ था, तो दही अब बड़े अच्छे से जम के तैयार हो गया है, तो मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और किचन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, तो अब मैं मुर्तजा के लिए ब्रेकफास्ट बना दूंगी, क्योंकि बाकी सबका तो रोजा होता है और मुर्तजा भी छोटा है, तो मैं उसको रोजा रखने नहीं देती। लेकिन उसको इतना शौक है रोजा रखने का कि जैसे ही वो अपना ब्रेकफास्ट कर लेता है तो उसके बाद कोई भी चीज खाता नहीं है और ना ही कोई चीज पीता है, और फिर वो कहता है कि मैंने अपना रोजा रख लिया है। तो वो छोटा है तो यही समझता है कि इसी तरह से ही रोजा रखते हैं। और इसी तरह से उसको रोजा रखने की आदत हो जाएगी, तो बच्चे तो वही करते हैं जो वो अपने बड़ों को करता हुआ देखते हैं। तो आज वो हमें देख रहा है कि सहरी करते हैं और फिर इस तरह से रोजा रखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर मुर्तजा भी रोजा रखना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मुर्तजा का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है और ब्रेकफास्ट में वो एग ब्रेड ही खा रहा है। और मुर्तजा को ब्रेकफास्ट देने के बाद अब मैं टेरेस में आई हूँ, तो टेरेस में आज बहुत ही अच्छा मौसम हुआ हुआ है। सुबह से ही मौसम बहुत प्यारा है, कभी धूप निकल आती है और कभी बारिश वाला मौसम हो जाता है और कभी तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। और आजकल चूंकि तेज हवाएं चल रही हैं तो देखिए प्लांट्स पे भी डस्ट डेली ही पड़ जाती है, तो मैं इवनिंग में जैसे ही इनको पानी देती हूँ तो इनके ऊपर से डस्ट भी उतार देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे में दोबारा इनके ऊपर डस्ट पड़ जाती है। और आजकल हमारे प्लांट बड़े ही अच्छे हो रहे हैं, तो देखिए हमारी करेले की बेल कितनी जबरदस्त हो रही है, और करेले की बेल अंगूर की बेल के साथ साथ ही बड़ी होती जा रही है। और आप देख सकते हैं कि हमारी करेले की बेल पे फ्लावरिंग हो रही है और दो छोटे छोटे करेले बन रहे हैं। और साथ ही करी पत्ता का प्लांट है तो इसके ऊपर भी सीड्स तैयार हो रहे हैं, और जैसे ही ये पक जाएंगे तो इनके साथ में न्यू प्लांट्स को तैयार करूंगी। धनिया भी बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं इसको काटती जाती हूँ ये और भी बड़ा होता जाता है और भी घना होता जाता है। और चूंकि मैंने टेरेस पे काफी ज्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं, तो सारे प्लांट्स को मैं एक ही दफा में नहीं देख सकती, इसलिए जैसे जैसे मैं टेरेस में आती हूँ और जो प्लांट मुझे दिखाई देता है तो मैं इसमें से एक्स्ट्रा प्लांट्स को निकालती जाती हूँ। वही प्लांट्स जो हुद्रो होते हैं और खुद ही निकल आते हैं तो मैं उनको निकाल देती हूँ, क्योंकि ये इनकी एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, तो इसलिए इनको निकाल देना ही बेहतर होता है। और जब कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं प्लांट्स की बारी बारी गोडी भी कर देती हूँ, तो इस तरह से मेरे प्लांट्स बड़े ही अच्छे होते जाते हैं। और प्लांट्स के साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने रूम्स की डस्टिंग कर ली और अब मैं लाउंज में आ गई हूँ। और अब मैं लाउंज की डस्टिंग कर लूंगी, क्योंकि रूम्स की डस्टिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ,
तो आजकल ऐसा होता है कि डस्ट वाली हवाएं चलती हैं, तो इसलिए मुझे डेली ही डस्टिंग करना पड़ती है। और आजकल चूंकि मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ, तो डस्टिंग करते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और मैं जल्दी से ही सब चीजों को साफ कर लेती हूँ। और ये बात भी होती है ना कि जब आप किसी काम को डेली करते हैं तो आपको वो काम करने की आदत हो जाती है। तो मुझे भी ये सारे काम करने की आदत हो गई है, क्योंकि जब से मेरी हाउस हेल्पर गई है तो सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। तो मैं अपने डे को इस तरह से मैनेज करती हूँ और प्लानिंग कर लेती हूँ कि कौन सा काम मैंने पहले करना है और कौन सा बाद में करना है। तो इस तरह से मेरे लिए आसानी भी हो जाती है और मेरे सारे काम ही टाइम पे मुकम्मल होते जाते हैं। घर के कामों को करने के लिए टाइम को मैनेज करने की और प्लानिंग करने की बहुत ही जरूरत होती है। तो इस तरह से आपके लिए आसानी हो जाती है। और वैसे तो हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी होती है कि इनके काम कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि घर के काम तो कभी खत्म नहीं होते। जैसे ही एक काम करके फ्री हो तो उसके बाद कोई दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो हाउसवाइफ की लाइफ में काम तो चलते ही रहते हैं और सारा दिन काम करते हुए ही गुजर जाता है। और अब मैंने सारी डस्टिंग कर ली है और अब मैं मोपिंग कर रही हूँ। और जब आपने घर के सारे कामों को करने के लिए प्लानिंग की होती है, तो फिर आप एक तरतीब के साथ कामों को स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही आप एक काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको याद होता है कि कौन सा दूसरा काम हमने करना है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाती है। और मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपने कामों को प्लानिंग के साथ करती हूँ कि मैंने सुबह उठते साथ कौन सा काम पहले स्टार्ट करना है और कौन सा काम मैंने सबसे लास्ट में करना है। तो मैं इसी तरतीब के साथ अपने घर के सारे कामों को करती हूँ। और देखिए, यहाँ पे मैंने सारी मोपिंग कर ली है। और मोपिंग करने के बाद अब मैंने बाहर टेरेस को भी अच्छे से वॉश कर दिया है, क्योंकि डस्ट वाली हवाएं चलती हैं तो टेरेस काफी गंदा हो जाता है। और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से प्लांट्स में पानी पड़ गया और प्लांट्स में पानी पड़ने की वजह से काफी ज्यादा मिट्टी बाहर भी आ जाती है। तो इसलिए मैंने टेरेस को अच्छी तरह से वॉश कर दिया है। और वॉश करने के बाद अब मैं वाइपर लगा दूंगी और इसे खुश्क कर दूंगी। घर को क्लीन करने के बाद मैं मार्केट गई और मार्केट से कुछ चीजें लेके आनी थी, तो वो लेके हम लोग वापस घर आ गए हैं। और घर में ऑयल भी खत्म हुआ हुआ था, क्योंकि रमजान में तली हुई चीजें ही ज्यादा बनाई जाती हैं, तो इसलिए हमारा काफी ज्यादा ऑयल इस्तेमाल हुआ है। और वापसी पे आते हुए हम ये वाटरमेलन लेके आए हैं, क्योंकि वाटरमेलन का सीजन है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए हम वाटरमेलन लेके आए हैं, क्योंकि आज हम इफ्तारी में वाटरमेलन ही खाने वाले हैं। और क्योंकि अभी इफ्तारी में बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो इसलिए मैंने वाटरमेलन को काट के फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख दिया है, ताकि जब इफ्तारी का टाइम होगा तो हमें वाटरमेलन ठंडा ही मिलेगा, क्योंकि वाटरमेलन तो ठंडा ठंडा ही खाने में अच्छा लगता है। और वाटरमेलन को काट लेने के बाद अब मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं काउंटर टॉप को क्लीन नहीं करूंगी तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे चींटियां आ जाएंगी, क्योंकि जिस जगह वाटरमेलन को काटा जाता है वहाँ पे चींटियां बहुत ही जल्दी आ जाती हैं। तो इसलिए मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से नीट कर दिया है। के शामी बनाए हुए थे, तो अब मैं इनको शॉपिंग बैग में डाल के रख लूंगी, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैं तो इनको रखने के लिए कंटेनर्स कम पड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने शॉपिंग बैग को चूज किया है, तो सारे शामी मैं शॉपिंग बैग में डाल के सेव कर लूंगी। और अब अफ्तारी का टाइम हो गया है, तो अफ्तारी में आज मैं शामी वाले बर्गर बना रही हूँ, क्योंकि आज कोई चीज समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए इफ्तारी में। और मेरे बच्चों को शामी खाने में बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज शामी वाला बर्गर ही बना लेते हैं, क्योंकि आज कोई भी स्नैक्स वगैरह खाने को जी नहीं चाह रहा था। और जैसे ही मैं शामी वाला बर्गर बनाने लगी, तो मैंने देखा कि बाहर बादल बड़े जोर के गरज रहे हैं। तो देखिए कितने घने बादल आए हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। तो मौसम तो कल का ही बहुत प्यारा होया हुआ है, कल तो बड़ी तेज बारिश हुई थी, आज हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन सुबह से ही बादल बहुत ज्यादा गरज रही हैं। तो यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है। और अब मैंने शामी फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और शामी फ्राई होने
करने के बाद अब मैं इन्हें बर्गर बंस में लगा लूँगी और साथ में मायनीज और केचप लगा के बर्गर्स तैयार कर लूँगी। और मैं इसमें कोई सलाद वगैरह ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बच्चे सलाद ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं सिंपल ही शामी वाले बर्गर बना रही हूँ। और आज इफ्तारी में हमारे पास यही शामी वाले बर्गर हैं, साथ में हमने तरबूज काट लिया है और अब हम लोग अपनी इफ्तारी करेंगे। और रमज़ान का महीना बस अलविदा होने ही वाला है, तो माहे रमज़ान की कितनी बरकतें थी, कितनी रौनकें थी। हम डेली ही कोई ना कोई चीज़ ज़रूर तैयार करते थे और कोई स्पेशल चीज़ बनाते थे क्योंकि रमज़ान की इतनी ज़्यादा बरकतें थी, तो डेली ही दिल करता था कि कोई नई चीज़ को तैयार किया जाए। और मैं तो अभी से ही माहे रमज़ान को बहुत मिस कर रही हूँ और बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कल ही रमज़ान का महीना स्टार्ट हुआ था और आज हम माहे रमज़ान को अलविदा भी कह रहे हैं।